सारे प्यारे और लाडले एवेंदर कुमार के जीवन चरित्र पर। यूं तो इनका नाम अतिमुक्त है, परंतु हमारे पूर्वज संत मुनिराज इन्हें एवेंदर के नाम से ही पुकारते रहे हैं। वह बचपन से ही माता पिता एवं सारी जनता की आंखों के तारे थे। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद उनके माता पिता ने अपने बच्चे में किसी प्रकार का दोष ना पनप नहीं दिया। एक बार श्रवण भगवान महावीर पौलासपुर नगर में पधारे। उनके साथ उनके ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम भी थे। जब प्रभु पौलासपुर के श्रीवन में पधारे हुए थे, तब भी इंद्रभूति गौतम की साधना क्रम अप्रमाण भाव से चल रहा था। एक दिन अपने बेले तप को पाने के लिए वे नगरी में चले। उस समय बालक एवंदा अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते एवंदा की नजर इंद्रभूति गौतम की ओर गई। उसने अपना तीर छोड़ दिया और तुरंत उनके पास आया।
चले जाऊं। भगवान मैं आपके साथ प्रभु महावीर को वंदना करने जाना चाहता हूँ। मुझे पे कर दो, मृत्यु के तीखे
उतार मुझ पे कर दो। अनजान सा शिशु हूँ, नहीं पुण्य पाप जानूं, उन मार्ग मार्ग क्या है नहीं इतना भी पिछानूं। भटका हुआ पथिक है, पहुंचा उसी के घर दो। दीक्षा की आज्ञा दे कर उपकार मुझ पे कर दो। दीक्षा की आज्ञा दे कर उपकार मुझ पे कर दो। आखिरकार माँ को आज्ञा देनी पड़ी। उस समय माँ श्री देवी ने कहा, दीक्षा से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं तुझे एक दिन के लिए राजा देखना चाहती हूँ। एवंता राजा बनकर सिंहासन पर बैठा। फिर देखिए, बताइए राजन, आपका क्या आदेश है? मेरे निष्क्रमण के लिए उपयोगी ओघे और पादुकों को मंगवाओ और मुझे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। चमकेगा बेगगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा बेगगन में मेरी आँख का सितारा। बन जाएगा प्रभु का जो था भी हमारा, चमकेगा बेगगन में मेरी आँख का सितारा। ममताई कह रही है रस्ते में रोक डालूं, कर्तव्य कह रहा है ये हक नहीं तुम्हारा। बन जाएगा प्रभु का जो था भी हमारा। इस घर का ये दीप है, सूरज है इस गगन का, है फूले बाग का ये जीवन का ये सहारा। बन जाएगा प्रभु का जो था अभी हमारा। भगवान को ही अर्पण भगवान की माया, मेरा नहीं ये बालक उनसे लिया उधारा। चमकेगा बेगगन में मेरी आँख का सितारा। बन जाएगा प्रभु का जो था अभी हमारा। भगवान, हमारा ये लाडला पुत्र आपके संग में सम्मिलित होने जा रहा है, इसको आप स्वीकार करने की कृपा करें। Thank you.
दोहराना चाहता है तो फिर एवंता मुनि तो थे ही कच्ची उम्र की। 8 वर्ष की उम्र खेल कूद की ही तो होती है। उम्र का तकाजा था कि बहते पानी को मिट्टी की पाल बनाकर रोक दिया और फिर अपने पात्र को नौका में बनाकर उसमें डाल दिया और जैसे ही पानी में पड़ा पात्र हिलने लगा, दाएं बाएं होने लगा, एवंता मुनि जी झूम उठे। इससे तो साधु के छोटे छोटे नियम भी नहीं मिलते तो बड़े बड़े नियमों को कैसे निभाएगा और कैसे इसके कर्म कटेंगे, कैसे इसकी मुक्ति होगी? प्रभु, एवंता को मोक्ष जाने में कितने जन्म लग जाएंगे? तुम अनुभवी हो, एवंता मुनि बालक है मगर उसकी प्रकृति बड़ी सरल है। उनके जीवन में कोई बनावट नहीं है, दिखावा नहीं है। वह इसी भाव में मोक्ष पहुंच जाएगा, इसलिए तुम उस सच्चे संत का मजाक मत उड़ाओ, उसका अपमान मत करो, बल्कि उस छोटे से संत को संभालो, खुशी खुशी उसे तैयार करो, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए आहार पानी का प्रबंध करो। तुम तो चरम शरीरी मुनिराज हो, तुम्हें जल के जीवों की सुरक्षा का तो ख्याल आ गया, मगर एक बालक को अकेले छोड़ने पर उस पर क्या बीतती है, उसका ख्याल नहीं रहा? वीतराग प्रभु का संदेश सुनते ही मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे एवंता मुनि को लेकर आए और उसके बाद उनकी निगरानी में तत्पर हो गए। बड़ी प्रसन्नता से उस मुनि की हर जरूरत को पूरा करते। ये छोटे मुनिराज ही कल आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी बनने वाले हैं। समय आने पर एवंता को छेदोपस्थानीय चारित्र दिया गया और धीरे धीरे एवंता मुनि इतने परिपक्व बन गए कि 11 अंगों के ज्ञाता बने, लंबी लंबी तपस्याएं की और जिस तरह भगवान महावीर ने फरमाया है उसी तरह विपुलाचल पर्वत पर संधार किया, केवल ज्ञान पाया और मोक्ष को पधारे। जाने और समझें तभी अपना कल्याण कर सकते।